जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम फोबिया। आज की इस क्लास में हम आपको हाई कोर्ट के बारे में बताएंगे। हाई कोर्ट के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या है और क्या प्रैक्टिस है और कैसे इसका क्या कॉम्पोजिशन है, इन चीजों के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट से जो भी रिलेटेड प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था। अब दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहूंगा, इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा जुडिशियल सिस्टम है। यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब क्या होता है कि जैसे समझिए ये अपना भारत महान है, ये हमारा भारत महान है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है समझिए यहाँ पर ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स के अंदर क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। उसके बाद जो है सेंटर का, सेंटर में सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं कि सेंट्रल लॉ के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट होगा और स्टेट लॉ के लिए हाई कोर्ट होगा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंटर स्टेट हर एक चीज के लिए है, साथ साथ जो हाई कोर्ट के जस्ट ऊपर की वो बॉडी है, और जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है हाई कोर्ट्स का। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की टॉप मोस्ट पोजिशन होती है और हाई कोर्ट क्या होता है इसकी जस्ट बिलो पोजिशन होती है, और स्टेट में इसकी, स्टेट के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इसका टॉप मोस्ट पोजिशन होता है। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोजिशंस होती हैं, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है सबॉर्डिनेट कोर्ट का, उसे भी हाई कोर्ट डील करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है हाई कोर्ट का वो पार्ट नंबर 6 में आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231 तक प्रोविजन दिया हुआ है। और साथ साथ बता देना चाहूंगा दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने कितने पार्ट हैं, टोटल जो है 25 पार्ट्स हैं, उनमें से पार्ट नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। अब सर, सबसे पहले जो है कौन से हाईकोर्ट इस्टेब्लिश किए गए थे, ये 1862 में इस्टेब्लिश किए गए थे हाईकोर्ट ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। ये तीन हाईकोर्ट 1862 में इस्टेब्लिश किए गए थे, एंड देन 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये तीन हाईकोर्ट की थोड़ा ईयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि इनका जो है पूछ लेता है कि कब इस्टेब्लिश ये हाईकोर्ट, सबसे पहली बार इनको किया गया था इसलिए पूछ लेता है। समटाइम्स एग्जाम में पार्ट नंबर 6 पे हाईकोर्ट का प्रोविजन लिया जाता है, तो इसलिए इस चीजों को आप याद रखिएगा। अब आप, आपको बता देना चाहूंगा कि हाई कोर्ट का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट का प्रोविजन है, लेकिन सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये प्रोविजन ऐड किया गया था कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है टू और मोर स्टेट और विथ यूटी के साथ, जो है एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है और इसे पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इस सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन ऐड किया गया था, तभी आप देखते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा को कोर्ट आप एक पाएंगे, दोनों दोनों स्टेट के लिए एक कोर्ट है। तो उसके बाद जो है अब कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, क्या कंपोजिशन होगा, क्या कैसे उनका अपॉइंटमेंट होगा। सबसे पहली बात, अब हाई कोर्ट की, जैसे ये आपका हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे, उसके बाद जो है जजेस होंगे। तो ये जजेस और चीफ जस्टिस की जो स्ट्रेंथ है ये प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम डिटरमाइन करते हैं एज ही डीम नेसेसरी, जैसे वो जरूरत समझते हैं उसके हिसाब से वो हर हाईकोर्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस का अपॉइंटमेंट, हाईकोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं। कैसे करते हैं, आफ्टर कंसल्टेशन, किससे कंसल्ट करते हैं, दो लोगों से कंसल्ट करते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं और गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट से कंसल्ट करते हैं। अगर किसी दो स्टेट की, एक मान लीजिए ये स्टेट वन है और एक स्टेट टू है, मान लीजिए ये पंजाब है ये हरियाणा है, तो अगर इनके कॉमन इनका हाईकोर्ट है, तो अगर यहाँ पे चीफ जस्टिस का जो है अपॉइंट करना है इनके हाईकोर्ट में, तो जो है गवर्नर ऑफ पंजाब से और गवर्नर ऑफ हाईकोर्ट दोनों से कंसल्ट किया जाएगा। अब आपको बता देना चाहूंगा इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि इनका अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है। वो टोटल 4 जज केसेस थे, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से इनको हमने आपको डिस्क्राइब किया था, यहाँ पर मैं समरी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जज केस जो हुआ था वो 1982 में होता है, यहाँ पर ये बोला गया था जो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ये उन पे बाइंडिंग नहीं होगी, ये ओनली एडवाइस होगी और वो एडवाइस उन पे प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी। सेकेंड जज केस में 1993 में बताया गया था कि कंसल्टेशन जो होगी वो बाइंडिंग होगी, और चीफ जस्टिस कंसल्टेड बिफोर हाईकोर्ट जज अपॉइंटमेंट, हाईकोर्ट जज के अपॉइंटमेंट के पहले चीफ जस्टिस का से जो है प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे। उसका थर्ड जज केस आता है, थर्ड जज केस जो आता है वो 1998 में आता है, यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट का जो कंसल्टेशन होगा वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
प्लस जो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनका कंसल्टेशन होगा, और उनका जो ओपिनियन होगा वो प्लूरलिटी ऑफ ओपिनियन होगा, वो मेजोरिटी का ओपिनियन होगा, नॉट उनका सोल ओपिनियन चीफ जस्टिस का नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है थर्ड जज केस में ये बात कही गई थी। फोर्थ जज केस में क्या किया गया था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था उसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया था इस बेसिस पे कि ये यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो रहा है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जो है आपको बता देना चाहूंगा क्वालिफिकेशन, जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है जजेस की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर उनको जुडिशियल ऑफिस हेल्ड करना चाहिए, मिनिमम जो है 10 ईयर के लिए एक जुडिशियल ऑफिस उन्हें हेल्ड करना चाहिए। उसके बाद जो है उन्हें एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, मिनिमम जो है 10 ईयर। ये तीनों में से ये उन्हें जो है क्वालिफिकेशन उनकी जो है होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये हाँ यहाँ देखेंगे ये सेकेंड और थर्ड में और है, इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन ये जो है फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है ये कंपलसरी है। साथ साथ यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चीफ जजेस और चीफ जस्टिस और किसी के भी अपॉइंटमेंट जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया है या नहीं है। दोस्तों कोई भी क्राइटेरिया मिनिमम एज का नहीं है, हालांकि जो उनकी मैक्सिमम एज है वो 62 ईयर में रिटायर कर जाते हैं, इनके हिसाब सुप्रीम कोर्ट 65 ईयर में रिटायर करते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अब ओथ की बात करेंगे। जो ओथ है, ओथ जजेस की जो ओथ है उसका जो मेंशन है आर्टिकल 219 में दिया हुआ है, साथ साथ ये लिखा हुआ है कि एज पर थर्ड शेड्यूल जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है सब्सक्राइब करेंगे ओथ, और उनको ओथ कौन दिलाएगा, उनको गवर्नर ऑफ स्टेट जो है ओथ करवाएंगे। आप ओथ क्या कैसे लेंगे, वो सबसे पहले ओथ लेंगे टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो निष्ठा रखेंगे संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, साथ साथ जो है अपहोल्ड करेंगे क्या सॉवरेनिटी अपहोल्ड करेंगे, साथ साथ जो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की इंटीग्रिटी को भी वो अपहोल्ड करेंगे उसको। अब यहाँ पर अगली जो बात कही जाती है कि टू ड्यूली फेथफुली एंड द बेस्ट ऑफ एबिलिटी नॉलेज जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ जजेस विदाउट फियर एंड अफेक्शन, बिना फियर और अफेक्शन के अपने ऑफिस की वो ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे। उसके बाद टू अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को वो जो है अपहोल्ड करेंगे और लॉज को जो लॉ ऑफ लैंड है, लॉ ऑफ लैंड यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी अपहोल्ड करेंगे। अब बात करेंगे कि सैलरी एंड अलाउंसेस जो जजेस का होता है उसको कौन डिटरमाइन करता है, उसको पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जो है डिटरमाइन करता है। उसके बाद जो है दे कैन नॉट बी वेरी टू डिसएडवांटेज पोजिशन, उनको जो है मिनिमम उनको जो उनकी अपॉइंटमेंट होने के बाद उसको जो है लोअर नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद टेन्योर की बात करेंगे कि टेन्योर क्या होता है। टेन्योर मैंने आपको बता दिया कि टोटल जो उनका जो टेन्योर है वो अप टू 62 ईयर तक रहता है, और उनके एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन ही कैन रिजाइन, और वो रिजाइन भी दे सकते हैं रिजाइन राइटिंग करके, किसको प्रेसिडेंट को राइटिंग करके वो रिजाइन भी कर सकते हैं, और उन्हें रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं ना कि गवर्नर उनको रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट उन्हें रिकमेंड करता है देन प्रेसिडेंट उनको अपनी पोस्ट उनकी जज पोस्ट से रिमूव कर देते हैं। अब रिमूवल का जो प्रोसेस है ये हमने ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो क्लास थी वहां पर बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अब यहाँ पर भी इन शॉर्ट में आपको समझा दूंगा कि क्या है, अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो आप लास्ट क्लास में जाइए वहां पर समझिए। उसके बाद जो है देखिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ये डील करता है जजेस के रिमूवल का जो भी प्रोसेस है उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए ये क्या है कि जो राज्यसभा है, अगर राज्यसभा में उनके रिमूवल का प्रोसेस इनिशिएट होता है तो 50 मेंबर से साइन किया हुआ ये जो है चेयरमैन को सबमिट करेंगे, और चेयरमैन के ऊपर डिस्कशन होता है कि वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं, और डिनाई भी कर सकते हैं, वो डिनाई भी कर सकते हैं उनके डिस्कशन पे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो 3 मेंबर कमेटी फॉर्म करते हैं, और 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, और जो है एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये हाउस में वोटिंग के लिए पुट अप किया जाता है, और वोटिंग में क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी के बारे में लास्ट क्लास मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि सपोज करिए ये हाउस है, हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 545 है, ओके। अब 545 स्ट्रेंथ है यहाँ की,
और टोटल जो है उस दिन मान लीजिए 400 आए हैं, तो सबसे पहली बात इसका जो है 50% तो मिनिमम वोट होना ही चाहिए, 50% मिनिमम होना चाहिए। साथ साथ जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है इनका जो है 2/3 होना चाहिए, ये स्पेशल मेजोरिटी उस चाहिए होती है इनके लिए। और अगर ये लोकसभा में ओरिजिनेट होता है तो इस केस में 100 मेंबर होते हैं और स्पीकर को सबमिट करता है, स्पीकर के पास अगेन डिस्क्रिप्शन होता है, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, फिर वो भी उनके 3 मेंबर कमेटी को इंक्वायरी के लिए भेज सकते हैं। फिर अगर ये पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जो है प्रेसिडेंट जजेस को रिमूव कर देते हैं उनकी पोस्ट से। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ जजेस, हाईकोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कैसे होता है। तो थर्ड जस्ट केस में 1998 में ये बात निकल के आई थी कि जब भी प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 2222 में ये मेंशन है कि जब भी वन हाई कोर्ट से अनदर हाई कोर्ट किसी भी जज का ट्रांसफर होता है तो उससे पहले वो जो है कंसल्ट करेंगे किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये जो एडवाइस होगा ये एडवाइस उनका सोल नहीं होगा, वो एडवाइस होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये इनका जो है जो एडवाइस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसफर होगा। उसके बाद आप बात करेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, आर्टिकल 223 में ये मेंशन है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को जजेस, किसी भी जज को एज एक्टिंग जज, एक्टिंग चीफ जस्टिस कब कब कर सकते हैं, जब चीफ जस्टिस का जो वैकेंसी हाई कोर्ट में वो वैकेंट हो और उसके बाद जो है या वो अब्सेंस हो या वो अनेबल हो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, उस केस में वो एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आर्टिकल 224 में ये मेंशन है कि एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की बात करते हैं। तो एडिशनल और एक्टिंग जजेस क्या होते हैं, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड फॉर नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, 2 ईयर से कम के लिए एक्टिंग जजेस अपॉइंट कर सकते हैं इन केस ऑफ कोरम कंप्लीट ना हो या फिर जो है टेम्परेरी जो है क्या हो गया हो। दो कंडीशन कब 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 वो करते हैं, अगर टेम्परेरी जो है बिजनेस ऑफ वर्क जो है इंक्रीज हो गया हो हाई कोर्ट पे उस केस में वो एक्टिंग एडिशनल जो है जजेस अपॉइंट करते हैं। उसके बाद जो है वो एरिया ऑफ वर्क जो है हाई कोर्ट का इंक्रीज हो गया हो, उसके बाद जो है इन केस ऑफ अगर जो है जजेस मान लीजिए वहां पे जो जजेस ऑलरेडी हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अनेबल हो, अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर पा रहे हो, साथ साथ जो है अगर मान लीजिए कि जो जज जज थे वो जो है चीफ जस्टिस बन गए हैं और वो वैकेंट हो गई, वैकेंसी हो गई है, तो इस केस में भी जो है प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग जजेस अपॉइंट कर सकते हैं। अब आर्टिकल 224A में ये मेंशन है कि एक्टिंग मतलब ये मेंशन है कि रिटायर्ड जजेस के बारे में क्या प्रोविजन है उसका मेंशन है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है रिटायर्ड जो जज जो रिटायर हो चुके होते हैं उसे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगेन टू परफॉर्म एज ए ड्यूटी एज जज, कब कर सकते हैं उसके लिए उन्हें प्रायर जो है परमिशन लेनी होगी किससे, प्रेसिडेंट से उन्हें जो है प्रायर परमिशन लेनी होगी, देन वो जो है रिटायर्ड जज को एज ए जज जो है अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद जो उनकी जो सैलरी होगी जो रिटायर्ड जज आते हैं उनकी सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, बट उन्हें जो है एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं समझा जाता है लेकिन उनकी पावर इक्वेलेंट होती है, जुरिडिक्शन इक्वेलेंट होता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट के। अब यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट किस प्रकार जो है उनकी इंडिपेंडेंस जो है सिक्योर की जाए उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, तो सेम वही प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए था। तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि मैं यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा चीजें बताता जाऊंगा। जैसे सबसे पहली बात कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ने मैंने आपको बताया कि थर्ड जज केस हुए थे और थर्ड जज केस में ये निकल गया था कोई भी एग्जीक्यूटिव जो है जजेस को अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, इवन जो है जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से होगा और वो भी प्लुरलिटी ऑफ उनका सजेशन होगा, उनके जो मेंबर होंगे उनका प्लुरलिटी का सजेशन होगा, उनका सोल का सजेशन नहीं होगा, एडवाइस उनकी नहीं होगा, एडवाइस जो है प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। उसके बाद जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, एक बार अपॉइंट होने के बाद उन्हें केवल प्रिस्क्राइब मैनर से ही उन जजेस से हटाया जा सकता है, जो कि पार्लियामेंट का जो भी प्रोसेस मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था उसी मैनर से ही केवल उन्हें अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है एक बार अपॉइंट होने के बाद। उसके बाद जो उनके जो उनका जो एक्ट होता है उसको जो है आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करती या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते एक्सेप्ट रिमूवल प्रोसेस में। उसके बाद उनका फिक्स सर्विस कंडीशन होता है, फिर उनका जो एक्सपेंस होता है वो कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होता है और
यहाँ पर एक बात और ध्यान देना चाहूंगा कि कंसोलिडेट फंड इंडिया का भी होता है, मतलब इंडिया इन द सेंस सेंटर का होता है और एक स्टेट का भी होता है। तो इनकी जो सैलरी है, सैलरी वो होती है स्टेट के कंसोलिडेट फंड पे, और इनका जो पेंशन होता है वो होता है सेंटर पे। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए कि आर्टिकल 221 में इनकी सैलरी के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको करता है एज पर सेकंड शेड्यूल उन्हें सैलरी मिलती है। पेंशन उन्हें जो मिलता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू मिलता है, लेकिन उनको अलाउंसेस जो है स्टेट के फंड से मिलता है। तो और ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, ये जो है नॉट वोटेबल पार्ट ऑफ बजट होता है, इस पे वोटिंग नहीं होती है। उसके बाद जो है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। आपको मैंने बता दिया कि जजेस का जो कंडक्ट होता है एक्सेप्ट रिमूवल प्रोसेस के अलावा कभी भी डिस्कस नहीं किया जाता है। उसके बाद वो अपने कंटेंप्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की क्लास में, आप वहां जाकर देखें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फिर उसके बाद जो है फ्रीडम टू, ये सारे जितने पॉइंट है इनको बहुत अच्छे से वहां डिस्क्राइब किया गया है। अब फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स ओन स्टाफ, अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 229। फिर उसके बाद जो है इट्स ज्यूरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, और हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को भी कर्टेल नहीं किया सकता है। फिर इसको जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा जाता है। जुडिशरी को जो है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से जो है सेपरेट रखा जाता है। अब जो है मैं बात करूंगा कि जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होता है और उसका पावर, यहाँ जो है आपको बता देना चाहूंगा कि वो पावर अपनी ड्रा कहाँ कहाँ से करता है, किसके अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट की रूलिंग होती है। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके उसके अकॉर्डिंग, फिर लेटर पेटेंट के अकॉर्डिंग, फिर कोई एक्ट पार्लियामेंट ने मान लीजिए बना दिया है, फिर एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, फिर उसके बाद जो है आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, फिर उसके बाद जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो इनके अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्ट जो है ज्यूरिडिक्शन एंड पावर, और इनके अकॉर्डिंग वो रूलिंग करता है। उसके बाद अब मैं बात करूंगा कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट का क्या होता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट, सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये है कि हियर डिस्प्यूट एट फर्स्ट इंस्टेंस। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि ऐसे कुछ जो भी मैटर होते हैं उस मैटर पे डायरेक्ट वो जो है मुकदमे सुन सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ऐसे में कौन कौन से ऐसे आते हैं जिनमें ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है, मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मैटर है तो डायरेक्टली हियर कर सकते हैं वो। फिर इलेक्शन ऑफ एमपी और एमएलए का, फिर उसके बाद कोई रेवेन्यू मैटर है, और अगर फंडामेंटल राइट का कोई सब्जेक्ट है, फिर जो है केसेस ट्रांसफर फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट फॉर कंस्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कोई कंस्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट को कोई केस ट्रांसफर किया हो। फिर उसके बाद जो है एक और बात यहाँ बता देना चाहूंगा, दिल्ली कलकत्ता एंड मद्रास बॉम्बे, ये चार हाई कोर्ट हैं। यहाँ पर जो है यहाँ क्या है कि इंट्रा जज जो है ज्यूरिडिक्शन भी होता है, मतलब अगर मान लीजिए कि एक जो है ये सिंगल जज है, सिंगल जज केस में आप जो है कोई कोई आपका इशू होता है तो फिर आप जो है डिवीजन बेंच के पास भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो इन ये चार कोर्ट हैं सिविल मैटर्स पे इनका प्रोविजन है, बट ये पहले क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन भी था लेकिन 1973 में ये एबोलिश कर दिया गया। अब रिट ज्यूरिडिक्शन की बात करूंगा, रिट ज्यूरिडिक्शन जो हाई कोर्ट का है वो 226, आर्टिकल 226 में इसका मेंशन है। उसके बाद जो है एल चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे कर्टेल नहीं किया जा सकता, इसको कैन नॉट बी कर्टेल। अब पांच प्रकार के रिट इशू करते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टिरारी और क्यो वारंटो। इन रिट के बारे में बहुत अच्छे से मैंने समझाया लास्ट क्लास में सुप्रीम कोर्ट की क्लास में, आप उसको जाके जरूर देखें तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा इस सब्जेक्ट में। फिर अब बात करूंगा एपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है हाई कोर्ट का। एपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है कि अगर कोई जजमेंट है सबऑर्डिनेट कोर्ट का तो उसके अगेंस्ट में आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब किस किस केस में, सिविल केस में क्या होता है, सिविल मैटर में क्या होता है, वो कोई जो मैटर सबॉर्डिनेट कोर्ट का जो जजमेंट है उसके जो है अगेंस्ट में आप जो है आप वहां पर जो है अपील कर सकते हैं। तो ये सिविल मैटर का है, लेकिन सिविल मैटर में कितना कितना वैल्यू क्या होगी वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, स्टेट जो है डिसाइड करता है कितने वैल्यू के मैटर को जो है डिस्कस किया जाएगा।
तो यहाँ पर जो है अगली बात कहूंगा कि यहाँ पर जो है इंट्रा कोर्ट, आपको मैंने बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अभी बताता हूँ कि सिंगल जज बेंच से वो डिवीजन बेंच के पास भी अप्रोच कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कोई ट्राइब्यूनल का जो भी केस है उसके लिए भी हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं उसके जजमेंट से। फिर क्रिमिनल मैटर का क्या है कि अगर सेशन कोर्ट किसी बंदे को 7 ईयर से ऊपर का इम्प्रिजनमेंट देती है तो उसके लिए भी अपील जो है की जा सकती है। अब सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है हाई कोर्ट का? सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ये होता है कि जो भी कोर्ट्स हैं उसके अंडर, उसके ज्यूरिडिक्शन में ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल, उसकी उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका सुपरवाइजरी करना, वो कैसे एक्ट कर रहा है, उसके क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो एज ए सुपरवाइजर भी वो जो है एक्ट करता है। फिर कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट का वो जो है एज ए कंट्रोलर भी होता है। फिर जो है गवर्नर कंसल्ट करते हैं किसके, डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के पहले जो है कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट से। फिर उसके बाद जो है हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं एज पर आर्टिकल 215, और ये परपेचुअल मेमोरी, परपेचुअल, और उसके बाद जो है इनको एज ए लॉ जो है रिकॉर्ड, इनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। फिर उसके पास जो कंटेम्प्ट की पावर होती है, अगर जो है कोई उसके विलफुली कंटेम्प्ट करता है, सिविल और क्रिमिनल, इसके सब्जेक्ट के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में आपको समझाया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट वाली क्लास अच्छे से अटेंड करिए तो वहां पर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे। जैसे कि मैंने वहां पर बताया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, इसमें दो प्रोविजन है कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर आप विलफुली जो है ऑर्डर डिसोबे कर रहे हैं कोर्ट की तो सिविल कंटेम्प्ट में आता है, अगर आपको लो कोर्ट की डिग्निटी जो है लोअर कर रहे हैं, उसके प्रोसीजर को हैम्पर कर रहे हैं तो क्रिमिनल में आता है, तो कोर्ट उसके लिए पनिश कर सकता है। फिर जो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट के पास जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, हालांकि जो इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इंदिरा गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया था, लेकिन 43rd अमेंडमेंट एक्ट में इसे रिस्टोर कर दिया गया था, और ये बोला था जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। तो यहाँ पर जो है आपको मैंने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। आपको ये क्लास करने के पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की क्लास जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की क्लास जो वो बेसिक है, वहाँ पे सेम जो प्रोविजन ही हाई कोर्ट में ऐड होते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।